गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी मेथड जो है, एक भी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की ओर। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समानांतर एक रेखा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु को प्रतिच्छेदित करता है। यदि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ए सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बोल रहा है ए बी सी, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया ए बी और सी, ठीक है। बी सी के समानांतर रेखा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ए पी काटते हैं, मतलब ये जो भी भुजा है, आधार है, इसके समानांतर एक रेखा खींची जाती है जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर कट करती है, प्रतिच्छेदित करती है। यदि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल ए बी ई, मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी ई का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यह वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है ए सी डी, मतलब इस वाले त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ, एरिया को वैसे ए आर से भी डिनोट करते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बी डी ई। उसी तरीके से दोस्तों, हम लोग त्रिभुज ए डी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी डी बराबर लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई प्लस ये त्रिभुज प्लस ये त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह जो त्रिभुज है दोस्तों, ये दोनों में कॉमन है, साथ ही साथ दोस्तों त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा त्रिभुज सी ई डी के, कैसे दोस्तों। तो देखिए, यह जो है एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज है, साथ ही साथ इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी समान है, क्योंकि यह रेखा डी रेखा जो है वो बी सी के समानांतर है। तो समानांतर रेखा कहने का तात्पर्य हो कि प्रत्येक जगह की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो अर्थात आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बस हमें दो चीज़ों से मतलब होता है, आधार गुने ऊंचाई, और दोनों ही बराबर है, अर्थात त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी बराबर इसका क्षेत्रफल जो है क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको रीजन जो है वो बता दिया है, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी इसे आप देख सकते हो, ठीक है। यह क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार पूछा गया है, या CHSL में भी पूछा गया है, तो CGL में भी पूछा गया है दोस्तों, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो यह कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि यदि कोई त्रिभुज जो है वो एक ही आधार पर और एक ही ऊंचाई पर बनाया जाए,
ठीक है, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उसे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसके लिए क्वेश्चन ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज बता रहा है आपको 9, 12 और 15। तो यह जब आप देख रहे हैं इन त्रिभुज के भुजाओं का मान, तो इन भुजाओं को देखकर आपको जानना चाहिए कि यह त्रिभुज जो है वो ट्रिपलेट बना रहे हैं, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। देखिए यदि तीनों से तीन कॉमन ले लें, जो कि क्या है 9, 12 और 15। ठीक है, अगर तीनों से तीन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3, 4 और 5, जो कि त्रिभुज का ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें तो ये तो मालूम हो गया क्या क्या है, एक ट्रिपलेट बन रहा है। मान लेते हैं यह त्रिभुज क्या है, ए बी और सी। अब बोल रहे 9, 12 और 15। ठीक है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, मतलब इसके अंदर जो वृत्त खींचा गया है इसकी त्रिज्या ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके लिए दोस्तों ये सबसे पहले आप एक फॉर्मूला जान लीजिए कि त्रिभुज के अंदर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्धपरिमाप। ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्धपरिमाप। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे जो है इसके आधार पर, पहले इस फॉर्मूले के आधार पर निकालते हैं, इसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें तीनों भुजाओं का मान दिया है, या फिर आप त्रिभुज के 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकाल लेते हैं, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई 9 गुने 12, जिसको 6 से काट लीजिए, 9×6=54। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें निकल गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें अभी क्या ज्ञात करना है, अर्धपरिमाप ज्ञात करना है। अर्धपरिमाप ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा, 9 + 12 + 15/2। जब आप लोग इसे जोड़िएगा तो 5, 5 × 2 = 7, 7 × 9 = 16, 6 + 1 = 36। ठीक है, 36/2 अर्थात 18। हमें S भी मालूम हो गया और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मालूम हो गया, तो हम लोग अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 54/18। ठीक है, 8 × 18 = 54, 3 सेंटीमीटर इसका जो है वो त्रिज्या का मान होगा। यह तो देखा दोस्तों, जब आपको फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला से आप को निकालने के लिए बोला गया, तब इसके लिए हमने क्षेत्रफल निकाला, फिर अर्धपरिमाप भी निकाला, लेकिन बिना फॉर्मूले का भी दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। या इसका ट्रिक है कि यदि आपको किसी भी त्रिभुज का अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ रही हो, और तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है आर बराबर होता है किसी समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के में नहीं दोस्तों, यह फॉर्मूला यह ट्रिक जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए चलेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है आर बराबर होता है P + B - H/2। पी जो है यह ऊंचाई हाइट हो गया, परपेंडिकुलर, बी आधार बेस और एच अर्थात इसका कर्ण बटा 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे निकाल लेते हैं, तो P + B अर्थात 12 + 9 - H, एच का मान कितना है 15/2, इसको जोड़ के इसे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अभी तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी, यदि हमें इससे बाह्यवृत्त की भी त्रिज्या पूछ रही होती तो यह जो है वो अंतर्वृत्त के लिए ट्रिक है, तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है H/2। यह बाह्यवृत्त के लिए होता है दोस्तों, बाह्यवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है H/2। तो देखिए ये कितना आसान है, 15/2 मतलब 7
0.5 सेंटीमीटर। देखा दोस्तों, यदि हमें ये ट्रिक मालूम नहीं था तो हमें पहले त्रिभुज निकालना का क्षेत्रफल निकालना पड़ा, अर्धपरिमाप निकालना पड़ा, फिर जाके हमने इसे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली। लेकिन यदि हमें यह ट्रिक मालूम है तो हमें देखिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है और हमने इसे बस माइंड में इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि आपको ये याद होना चाहिए और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये आपको याद रखना या फिर इसकी जानकारी रखना, ये आपके पास प्रैक्टिस से संभव है दोस्तों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक को है यूज करेंगे, ये उपयोग करेंगे, आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगला ट्रिक। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी सम चतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री हैं तथा उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए भी सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों मेन सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होता है कि भी कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ा भी आपको पेचीदा लगे और आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसे बस उसके लिए फिगर ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप फिगर ड्रॉ करेंगे आप जो है 50% क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते होता है किसी समचतुर्भुज। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए ये हमारा समचतुर्भुज है, इसका नाम हम लोग ए बी सी और डी रखते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, इस दो को विपरीत कोण कितना है 60 डिग्री है, मतलब यह कोण क्या है 60 डिग्री है और यह कोण भी कितना है 60 डिग्री, क्योंकि विपरीत बोल रहा है। तथा उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब यह जो है चारों भुजाओं की लंबाई तो बराबर होगी, एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसके छोटे विकर्ण की लंबाई, तो छोटा विकर्ण ये तो बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। मतलब हमसे जो है वो एसी की लंबाई पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसी समचतुर्भुज में जब हम लोग विकर्ण को मिलाते हैं तो यह जो है ये कोण को समद्विभाजित करते हैं। और हमने आपको इसके प्रॉपर्टी में एक चीज़ भी बताया था कि एक ही तरफ के दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यह कोण और यह कोण, कोण डी और कोण ए का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री है दोस्तों तो डी ए बी का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री ये समद्विभाजित कर रहा है अर्थात यह 60 होगा तो यह भी 60 होगा। अब देखिए हम लोग यदि त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं, यह एक त्रिभुज बना रहा है और ये कोण 60 डिग्री है, दूसरा कोण भी 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण भी इसका क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। कहने का तात्पर्य है कि त्रिभुज एडीसी जो है वह क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। जब यह समबाहु त्रिभुज है दोस्तों तो देखिए एसी इसमें जो है एसी भुजा क्या हो जाएगा, इसका लंबाई भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एडी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, एसी का मान कितना हो जाएगा एसी बराबर 10 सेंटीमीटर। एसी ही तो हमारा छोटा विकर्ण था अर्थात हमारे छोटे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं था, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस था। जैसे ही हमने ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कोई भी समचतुर्भुज हो उसका विकर्ण जब हम मिलाता है तो कोण को क्या करता है समद्विभाजित करता है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट पता होना चाहिए था, मेन इस क्वेश्चन में यही पॉइंट था। उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस था कि जब ये 60 है ये 60 है तो ये भी कोण 60 होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 60 त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हम लोग आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यह एक समानांतर चतुर्भुज है और इसका नाम क्या दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखिए भुजा बी सी और सी डी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है, मतलब इसका मध्य बिंदु पी है और इसका मध्य बिंदु क्यू है, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, यह जो त्रिभुज दिया गया है दोस्तों इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब
ए पी क्यू मतलब यह त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ए पी क्यू का मान पूछ रहा है, इसे हम लोग दूसरे लाइन से डिनोट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए पी क्यू ये जो ब्लैक से है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यदि आप लोग इस क्वेश्चन को लॉन्ग में बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको कम से कम दोस्तों 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, और उसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। लेकिन यदि आप इसे मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो यह जो है मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में जब कोई समांतर चतुर्भुज दी हुई है और उसका एक इसके एक त्रिभुज का मान दिया हुआ है, एक विकर्ण से मिला दें और उसके एक त्रिभुज का मान दिया हुआ है, तो और हमें यह दो भुजाओं के मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का मान पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक अलग से चतुर्भुज बना लेते हैं, जिसमें जो है बस हमें विकर्ण मिलाया हुआ है, उसके लिए हम देख लेते हैं। देखिए, यह एक त्रिभुज चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। इसमें हमें त्रिभुज ए बी सी का मान दिया हुआ था, इसका मान 12 दिया हुआ है। तो कल पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, यदि इसके विकर्ण को मिलाते हैं तो यह 2 त्रिभुज का निर्माण करता है, और प्रत्येक त्रिभुज जो है वो आपस में सर्वांगसम होते हैं, मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का मान जो है बराबर होगा और हर एक अंग बराबर होगा। जब इसका क्षेत्रफल कितना है, 12 है, और तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अर्थात हमें इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर² हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको ए पी क्यू का मान पूछ रहा है, त्रिभुज ए बी ए पी क्यू का मान पूछ रहा है। तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसकी आप नोट कर लीजिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3/8 गुने ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चलिए, तो 3/8 गुने ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24। अभी हमने आपको निकाल के दिखाया है, तो 8 + 24 अर्थात 3 × 3 = 9 cm². अर्थात त्रिभुज ए पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, 9 cm². देखिए दोस्तों, यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसे लॉन्ग से सॉल्व करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा समय लेगा। हमने इसे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताया है, आप इसे याद रखिए, नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए, जब यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आगे भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यह याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए नए क्वेश्चन और ट्रिक के साथ। दोस्तों, इसी तरह के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम अपना अगला नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।